थाना मगोरा के गांव बोरपा में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। हाई टेंशन लाइन से उठी चिंगारी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। गांव बोरपा और नगला शीशराम के किसानों के खेतों के ऊपर से 11,000 की हाई टेंशन विद्युत लाइन से किसानों की 15 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई और आग लगने से फसल जल गई। आग की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, लेकिन सूचना के बाद भी दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार किसान नारायण सिंह प्यारेलाल की गेहूं की फसल खेतों में कटी रखी हुई थी और रामवीर सिंह शिवराम गुलाब सिंह के गेहूं की फसल खेतों में खड़ी हुई थी। हाई टेंशन की चिंगारी से फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर थाना प्रभारी सुशील कुमार योगी व चौकी प्रभारी यशपाल सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। शॉर्ट वो बताओ क्या हुआ है, ऐसे आग लगी दोपहर में, हमें अचानक आग लग गई है। अब कोई देखो सुना है ना, हमने कोई देखो आज बोले गए थे, पर ये हमारे रामवीर सिंह प्रधान बोरपा, गुलाब सिंह छोटे भाई हैं बोरपा, सौरभ सिंह सुखबीर सिंह, इनकी जमीन पड़ती है, सारी जल गई। कितनी जमीन जलकर, मतलब वो 15 बीघा बैठाई, 15 बीघा मान लो तुम 7-8 एकड़ के आसपास। आपने आपको बिजली विभाग के अधिकारियों या किसी को दमकल विभाग को सूचना दी? हाँ दी, एसडीएम साहब से फोन कर दिया हमने, पुलिस वाले बेचारे तुरंत आ गए और एसडीएम साहब दोबारा रिपीट फोन आएगा हमारे पास और दमकल वाले भी आ रहे हैं, मगर गांव वालों ने बहुत अच्छी मेहनत करके नहीं पाइपलाइन चला के कुछ और कर लिया। ये खेत के लट्ठे से बारिंग तार टूटा और उसके बारिंग से आंच लगी और सभी खेती पर जली। कितनी फसल जली आपकी? करीबन हमारी 1.5 बीघा और बाकी और भी जली पड़ा, और ये जलिए पड़ोस में 10-12 बीघा जमीन है, 12 बीघा करीबन कुल मिलाकर के 15-16 बीघा जमीन खत्म हो गई।